आगे है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के जस्ट अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जब दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है तब उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण हाइड्रोजन के समस्थानिकों का दिया गया है, जिसे दो हल्के क्या होता है, हाइड्रोजन के जो कण होती है वो आपस में मिलकर हीलियम बनाता है, मतलब एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। इस क्रिया से क्या होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस अभिक्रिया में जो उत्पाद का द्रव्यमान होता है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले के द्रव्यमान से कम होता है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा संलयन अभिक्रिया सूर्य और अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का एक स्रोत होता है। नाभिकीय ऊर्जा का लाभ क्या होता है, ये इसमें यूरेनियम 235 की छोटी सी मात्रा में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसकी हानि क्या होती है, अभिक्रिया में रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हानिकारक होते हैं। फिर आगे क्रेडा, क्रेडा क्या होता है, क्रेडा जो होती है इसका मेन उद्देश्य एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर इसका मेन उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण करने का कार्य होती है। क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है। यह छत्तीसगढ़ शासन में ऊर्जा का विभाग का उपक्रम है। यहाँ पर इसका उद्देश्य दिया गया है, क्रेडा का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्य है, जैसे फर्स्ट इसका क्या एम है, उद्देश्य है ऊर्जा संरक्षण करने का, अर्थ ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करके उसे ऊर्जा की बचत कर सके। मेन क्या है यहाँ पे, ऊर्जा संरक्षण का कार्य इनका मेन उद्देश्य। फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे हम यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने की बात कही गई है। गैर परंपरागत मतलब अभी जितने भी हम पढ़ रहे हैं कि जल के स्रोत से जब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या पवन ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या बायोगैस से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये सभी क्या है, गैर परंपरागत है। तो इसकी जो यूज है इसको बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कही गई है। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के दोहन से प्राप्त ऊर्जा पर्यावरण हितैषी होता है। हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, बायोगैस के उपयोग करने से, पवन ऊर्जा का उपयोग करने से, या जल ऊर्जा का उपयोग करने से पर्यावरण का संरक्षण होता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होती है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि ये पर्यावरण हितैषी होती है। अतः अधिक से अधिक सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, वायु ऊर्जा का उपयोग के लिए प्रेरित किया गया है। तो क्रेडा का मेन उद्देश्य क्या है, ऊर्जा का संरक्षण करना और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण को शुद्ध रखना। क्रेडा से संबंधित छत्तीसगढ़ ऊर्जा पार्क, छत्तीसगढ़ एनर्जी एजुकेशन पार्क रायपुर में परंपरागत ऊर्जा स्रोत के लिए कार्यशील मॉडल, जैसे जल शक्ति, वायु शक्ति, सौर ऊर्जा शक्ति, सोलर कार, मोटर बोट, बायोगैस प्लांट आदि का प्रदर्शन यहाँ पे कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है, छत्तीसगढ़ ऊर्जा शिक्षा पार्क रायपुर में। यहाँ पर बहुत सारी इससे मॉडल तैयार की जाती है जिसको प्रदर्शित करके वहाँ दिखाया जाता है। ये लेसन यहीं पे समाप्त होती है। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आप लोग नोट्स में तैयार कर लेंगे।